मसूद मियाँ के इंतकाल के 10 दिन पहले मसूद मियाँ ने मेरे को बोले थे, मोइन मियाँ वो कुर्सी पे बैठ गया बोले, उसको कोई नहीं हटा सकता बोले, अल्लाह ही हटाएगा बोले उसको, बाकी कोई नहीं हटा सकता, हर धर्म है वो मानते ही नहीं। अभी 8 दिन पहले मौलाना गए तो मौलाना की सुना नहीं उन्होंने, किसी सुनते ही नहीं वो, तो तुम क्या बोले। अब उसकी मैं अगर से उसकी जो पोल खोलना शुरू करूँगा तो लोग बोलेंगे कि मोइन मियाँ भी उनके याद भी, ये जो अपोजिशन है ना इनके चदमी है मोइन भाई भी, मगर इनकी जो खराबियाँ हैं अंदर में वो खराबियाँ अगर बोलना शुरू करूँगा मैं तो सारा मजमा देखते रह जाएगा कि क्या चल रहा करके, मगर मेरे को फसाद मचाना नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे फसाद हो। औरंगाबाद को संभालना चाह रहे हैं, दुनिया किधर भी लड़ो मरो कुछ भी करो, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना। हम इतने दिन से खामोश है, अब ये लोग समझ रहे। अब मैं कल जो मजमा आया मैंने बोला हम दोनों के आदमी हैं, मैंने बोले ऐसा क्यों बोल रहे आप, बोले किसी एक के बोलो, मैंने बोला भाई हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमको हक के साथ कर दे, तुम इनके अंदर क्या, ये दूध के झूले भी नहीं है मतलब इनके अंदर क्या गड़बड़ है तुमको मालूम नहीं, अभी इनके गड़बड़ निकाल के रख दूंगा तो तुम बोलेंगे ये क्या लपड़ा चल रहा। लेकिन हम चाहते नहीं कि अपने बड़ों की गड़बड़ ओपन हो जाए, अल्लाह मियाँ खुद कर देगा। मैंने उनको तुम्हारे इज्तिमा में बोला था कि साद बिन उबादा इतना बड़ा आदमी 10 साल खिदमत किया हुजूर की और दीन की, एक लफ्ज़ ज़बान से निकाला था कि कहा एक अमीर महाजरीन में एक अमीर अंसार में, अल्लाह तबारक ताला ने इसको कबूल नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया और उसको जिन्नत के ज़रिए से ख़त्ल करा दिया। कोई इंसान मारता ना तो फिसाद हो जाता था, अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि जिन्नत के ज़रिए से ख़त्ल कर दिया और पूरे मदीने में बच्चे से लेके बुढ़े तक औरत तक सब ने इस आवाज़ को सुना कि हमने साद को जिन्नत के ज़रिए से ख़त्ल कर दिया और तीर उसके दिल पे लगा और उसको हमने रास्ते से हटा दिया। अब ये बेवकूफ़ है ना, इनको इल्म है ना अकल है, वो आदमी है ना उसके पीछे हिंदुस्तान का एक भी बड़ा आलिम है क्या पीछे, मेरे को बताओ। मतलब मौली साद के पीछे कौन है, मैंने बोला दुनिया के लेन का तो जान दो हमको, उससे बहस नहीं है, कोई बड़ा आलिम इनके पीछे बैकिंग कर रहा क्या, नहीं कर रहा, अकेला है। तो हसन भाई इन्हों अकेले है तो अकेला कब तक दम मारेगा, उनमें इतने खूबियाँ नहीं है, ये तुम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये पानी है, करोड़ों लीटर पानी है, ये इसको कैसे तुम कंट्रोल करेंगे। हमारे जिम्मेदार साथियों ने आज की कैसे बता, जाहिरी तौर पर जो काम हम कर सकते हैं उतना हम कर ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह की और भी मखलूक है जो इस काम में हमारा ताउन करेगी। अब उनको गैर मुस्लिम में लोग समझ में नहीं, देख रहे ऊपर नीचे क्या बोलना चाह रहे क्या है, अल्लाह की बहुत सी मखलूक है भाई। अब ये नादानों को कुछ मालूम नहीं है, इन्हों चुड़ैल और भूत बड़ी थी देख रहे अभी तक, इनको फरिश्ते कब नजर आना, इनको नजर आना जबानों से झूठ बोल रहे हैं, इश्तेहाम बांध रहे हैं, 3-4 लोगों पे इश्तेहाम बांध रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, ऐसे दुनिया भर के ऐसे बातें बता रहे हैं। अभी इतना बड़ा इज्तिमा हुआ और सोचना चाहिए पूरी दुनिया के लोगों ने ये झूठे फतवे देने वालों के मुँह पे ऐसा चमाचा मारे कि मरे तक भूलना नहीं इन्होंने, लेकिन फिर जमा हुए तो फिर वहाँ पे मौलाना के खिलाफ वो 7 फतवे दिए, वो ये कैसा बोले, ये कैसा बोले, ये कैसा बोले, गैरत और शर्म बेच गए इन्होंने, इनको गैरत और शर्म नहीं है, हदीस का इनकार कर रहे, बताओ हदीस का इनकार कर रहे, ये मुनकरीन हदीस है, ये इन्होंने जानते नहीं है कि अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की कसरत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी, ये बात कह दी गई। अब इसमें मजमा जमा हुआ है, बताओ हमसे आके पूछ रहे कितना था, बोले आप हमेशा अंदाजा बताते सही, बोला वो हमारा छठा किस्से में रहता है उसको हम जजमेंट से हम बता देते। अभी जो हमने एक साइड देखे
पिंडल के इधर का, पिंडल में क्या है आपको कुछ भी नहीं मालूम, और पिंडल से उधर क्या है वो भी नहीं मालूम, और पीछे कहाँ तक नीरज जा रही है वो भी नहीं मालूम, हम क्या बता सकते। मगर बहुत दुनिया के बहुत जबरदस्त जानकार जो कई जमातों को चलाते हैं, कई स्कीमें उनके पास है, वो इंजीनियर आके गैर मुस्लिम ने कहा कि हमने अंदाजा कायम किया कि 50 लाख आदमी था, लेकिन जब दुआ का टाइम आया तो 80 लाख हो गया, जब दुआ का टाइम आया ना तो 80 लाख हो गए। ये गैर मुस्लिम बोल रहे हैं, अभी 80 लाख आदमी है तो क्या ये गुमराह पे जमा हो गए भाई, इनको अक्ल नहीं, अभी इनके समझ भी नहीं आ रहा, अभी अभी वही रस लगाए उन्होंने, वही रस ईमान का जनाजा निकाल दिए, मक्कारियां हो गई, सियासत घुस गई। अरे कब तक लोगों को बेवकूफ बनेंगे यार, कब तक बने? अब लोग आगे कर बोले मोइन भाई क्या मोइन भाई, हम ये नाहक बातों को हम सुनेंगे क्यों, हम बेगैर से सुनेंगे ये बातों को? अरे अभी इतना बड़ा इज्तिमा हो गया, पूरी दुनिया मोतरिक है, दुनिया में चर्चे चल रहे हैं, और ये मक्कारों के समझ में नहीं आ रहा, अभी भी पत्ते जारी कर रहे थे, सात उमूर लिख के बोले मोहन साहब ने ऐसा, बोले मोहन साहब ने ऐसा, अभी समझ लो और सुन लो, जिस आदमी ने निजामुद्दीन के खिलाफ और मोहन साहब के खिलाफ जो बकवास करा, समझ लेना ये हदीस का मुनकर है। हाँ, ये हदीस का अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात का इनकार कर रहा है, ये कहाँ ठिकाना बनाएगा ये? अब बोले मत बोलो, अरे नहीं बोलो तब तक नहीं बोलेंगे, अरे हदीस का इनकार कर रहे ना, और कुरान पढ़ा रहे, हदीस पढ़ा रहे, इदारे चला रहे, लफड़े कर रहे सब दुनिया भर के है, और ये अंदर की मकारे जारी नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अपनी जबान को हम बंद करें, और जो लोग हजरत निजामुद्दीन के और हजरत मौलाना की बात के खिलाफ कोई बात करते हैं उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम जो बात बोल रहे हैं कि जहां से जो बात कही जाती है वो काबिल एतमाद है, वो हम जो बात कहते हैं उसका जो दावा है उसकी दलील हमारे पास बहुत मजबूत रहती है। हमसे आके बात तो करो यार, हमसे बात तो करो, हमने क्या गलत बोले? वो चोरों के जैसे फिर रहे थे इज्तिमा के अंदर, हो अरे उनको हमने स्टेज पे बिठाए थे यार, उनको जिम्मेदारियां दिए थे, तस्वीर के जिम्मेदार, स्टेज के जिम्मेदार, अब चोरों के जैसे मुंह छुपा थे, इधर से उधर से उधर फिर रहे, और कोई तो भागे होते तो क्या जोर से भागे, क्यों लोग अब जूते मारेंगे ना, पूरे मुसलमान एक तरह में तुम इधर क्या कर रहे? अरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्त भाइयों, होश के नाखून ले लो, समझ लो बात को, ये मक्कारियां बहुत चलेगी। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने से सहाबा में इख्तलाफ डालना और दीन में रखना अंदाजी करना, ये 1400 बरस से चल रहा है इसी को, मगर वो मुनाफिकीन थे, उन्होंने इस्लाम में दाखिल होके लोगों को गुमराह किया। अब ये तो इस्लाम का लेबल लगा रहे, वो फलाना हमने है पसंद, अभी वो कभी एक बच्चे ने लिखा, अभी जुमेरात में एक इज्तिमा होने वाला, बोले वहां हम सही नहज बताने के लिए आए हैं, नहज कौन सा नहज है भाई, हम तो बच्चों से देख रहे हैं कई नहज बदल गए, कई मोहन साहब ने नहज बदल दिए, फला कर दिए, मैंने क्या खबरिया करा रहे क्या, औरतें भरा रहे क्या, औरतों को मेदे भी ले जा रहे, कौन सा नहज बदले, बकवास करने के लिए, एतराज करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है डिग्री की। ताजमहल से एतराज करते हो, ताजमहल ये गुरु चाहिए, इधर इधर होना चाहिए, ऐसा उधर होना, 10x10 का कमरा बनाए तो हवा निकल जाना है,
एतराज बहुत आसान है, सबसे आसान चीज एतराज है। अभी अब मैं ये बात अभी अभी आपकी